स्टूडेंट्स वेलकम करते हैं आपको स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 1.2 एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम शुरू करेंगे 1.3 एक्सरसाइज जो के है वेन डायग्राम से मुतल्लिक। सबसे पहले हम बात करते हैं जी वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम असल में एक इंग्लिश रियाजीदान है जिनका नाम जॉन वेन था, उन्हीं के नाम से वेन डायग्राम बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम सेटों को लिखकर जाहिर करने की बजाय एक शक्ल बनाकर जाहिर करते हैं। अब वो शक्ल उन्होंने क्या किया, एक मुस्ततील यानी रेक्टेंगल को लिया और उस रेक्टेंगल में को उसने नाम दे दिया यूनिवर्सल सेट का, जिसके अंदर तमाम के तमाम सेट मौजूद होते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। फिर उसने कहा कि उस जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसी के अंदर हम सब सेट बनाएंगे। ताती सेट जो हमने पढ़े थे, अगर आपको इनके मुतालिक कुछ भी चाहिए हो नॉलेज तो हमारे लास्ट लेक्चर को आप, पहले लेक्चर में भी मौजूद है और दूसरे लेक्चर में भी हमारा ये मौजूद है, तो हम लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में हम इसको दे देंगे, वहाँ से आप हमारे पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। जॉन वेन ने जो वेन डायग्राम बनाई और सेट्स को हल किया उसके मुतालिक 1.3 एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। उसका हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है जी। हमारे पास ए की वैल्यू है 3, 5, 7, 9, 11 और 13, 3, 5, 7 और 11, 13। और हमारे पास बी की रकम है 5, 9, 13, 17, 21 और 25। ये हमारे पास ए और बी दिया गया है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें उसने कहा कि आपने मुबादला के कवानीन को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो मुबादला के कवानीन हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब वो क्या था जी के ए, पहले अगर यूनियन की बात करें तो ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए, ये हमारा मुबादला का पहला कानून था। अब हम इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी है। अब हम एक रेक्टेंगल यानी मुस्ततील बनाते हैं। मुस्ततील क्या होती है, ऐसी बंद शक्ल जिसके मुखालिफ इजला की लंबाइयां बराबर होती हैं और हर वर्टेक्स पे 90 का एंगल बनता है। अच्छा, ये एक यूनिवर्सल सेट बनाया जॉन वेन के मुताबिक, उसके अंदर हमने सबसेट बनाने हैं यानी तहती सेट बनाने हैं ए और बी। उनको बनाने का तरीका ये है कि अगर सेट ए और सेट बी में कोई भी रुकन मुश्तरिक हो तो हम जॉइंट सेट बनाते हैं, और अगर मुश्तरिक ना हो तो हम डिसजॉइंट सेट बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं जी, ये है 3, 5, 7, 9, 11, 13। इधर 5, 9 और 13 मौजूद है जो दोनों के अंदर है, तो ये जॉइंट सेट इस तरह से बनाएंगे हम। ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया। ये टोटल जो है, ये पूरी की पूरी जो रेक्टेंगल है, मुस्तदील है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब हम ए के अरकान लिखते हैं। हम ए के वो अरकान जो बी में भी है वो दरमियान वाला जो मुश्तरिक वाला एरिया है उसमें लिखेंगे। यहाँ पे 3 है उधर नहीं है तो वो सिर्फ ए का ही है। 5 दोनों में है, 7 सिर्फ ए में है, 9 दोनों में है और 11 सिर्फ ए में है, 13 भी दोनों में मौजूद है। बी की वैल्यूज कौन कौन सी है, 17, 21 और 25। ये ऐसे अरकान हैं जो ए में मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बी का ही हिस्सा है। अब ये हमने इसको जाहिर कर दिया। जॉन वेन कहता है कि आपने इस ऑपरेशन को जो लेफ्ट हैंड साइड है जो कि है ए यूनियन बी, इसको इसकी जाहिर कर देना है इसी के ऊपर। यूनियन का मतलब इकट्ठा करके लिख देना। अब अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास तमाम के तमाम अरकान आ जाएंगे।
हमारे पास ए और बी के जो सबसेट है वो मौजूद है, हम क्या करते हैं ए और बी का अगर आंसर देखते हैं तो यूनियन में ये सारी के सारी रकमें आ जाएंगी। आपने क्या करना होता है, जो रकमें हमारे आंसर के अंदर मौजूद होती हैं उसको आपने शेड कर देना है। अब ए और बी को हम शेड करते हैं, यूनियन में सारे के सारे अरकान आ जाएंगे, तो यही हमारा ए यूनियन बी बन जाएगा, जिसको वेन डायग्राम के मदद से हमने हल किया। अगर हम इसका राइट हैंड साइड बनाकर देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा। फिर से क्योंकि हमारे पास मवाद जो है, डेटा जो है वो वही है ए और बी का, तो हम इसको अगेन इसी तरह बनाएंगे, लेकिन अब हम कर रहे हैं बी यूनियन ए। अब ए यूनियन बी लिखने के अरकान पहले लिखेंगे, ए के अरकान हम बाद में लिखेंगे, बी के अरकान फिर से रूल वही रहेगा 17, 21 और 25। ये सिर्फ बी में है, 5, 9 और 13 ए और बी दोनों में है। इसी तरह 3, 7 और 11 सिर्फ ए के अरकान है। फिर से ए यूनियन बी में इकट्ठा करके लिख देंगे। लो जी, मैं इनको इकट्ठा करूंगा क्योंकि मेरे आंसर में सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। ये हमारी लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल होगी, यही हमारा मुबादला का कानून है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका सेकेंड क्वेश्चन है जी, एन सेट और जी सेट जो है, जो हमारे पास है, उनके दरमियान अगर हम मुबादला कानून बनाएंगे। एन सेट क्या होते हैं, नेचुरल नंबर यानी कुदरती इदाद का सेट, तो वो आपने लिखना है 1, 2, 3, 4 इसी तरह सो ऑन लिख देंगे। और जी होता है इंटीजर्स को कहते हैं, सही इदाद उसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसी तरह आप इनको जिस तरह मैंने ये यहाँ पे शो करवाया है, आप उसी तरह उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह जो नंबर 3 क्वेश्चन है उसमें सी है, एसेट सी दिया है जी, वो है जी एक्स, जबकि एक्स जो है रुकन है एन का, और एक्स 8 या 8 से बड़ा है और 18 या 18 से छोटा है। चले इसको मैं लिख कर बताता हूं आपको कैसे लिख सकते हैं। ये अक्सर बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये किस तरह होगा, तो इसको चलो लिखते हैं। एक्स जबकि एक्स रुकन है एन का, जो कि नेचुरल नंबर्स हैं, और जो हमारा एक्स है वो बड़ा है या बराबर है एक्स के, जबकि छोटा है या बराबर है 18 से। इसी तरह डी सेट क्या है, वो जी है वाई, जबकि वाई रुकन है एन का, ये भी नेचुरल नंबर है, और हमारा जो वाई है ये 9 से बड़ा या बराबर है और 19 से छोटा या बराबर है। अब अगर हम सी को हल करना चाहे, अगर हम सी को हल करना चाहे तो कैसे लिखेंगे, हम उसके वैल्यूज कैसे बना सकते हैं। 8 या 8 से बड़ी रकमें, 8, 9, 10, 11, 12 ये चलता चलता आपने 18 तक लिखना है, नेचुरल नंबर सारे। इसी तरह जब आप डी लिखेंगे तो वो हमारे आएंगे 9, 10, 11 और ये चलता चलता ये 19 तक लिखा जाएगा। इसी तरह आपने वेन डायग्राम में जब आप इसको बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम करते हैं तो हम ए और बी सेट बनाएंगे, अगर इनमें कोई चीज कॉमन है तो इसके दरमियान आ जाएगी। ये सेट डी है, सी है और ये सेट डी है, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं। हमारे पास इसके अंदर लिखा जाएगा 8, क्योंकि 8 इसमें मौजूद नहीं है, जो दोनों में मौजूद है वो इस जगह लिखा जाएगा। 9 दोनों में है, 10 दोनों में है, 11 दोनों में है और ये 18 तक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में है, तो फिर हम शक्ल में स्पेस ज्यादा बना लेते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी रहे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक दोनों के अंदर मुश्तरक चीजें हैं। इसमें 8 है जो कि यहाँ पे नहीं है, इसमें 19 है जो कि यहाँ पे नहीं है, यही सिर्फ 2 डिफरेंस है। अगर हम इनका यूनियन करेंगे तो सिंपल, फिर भी इसके अंदर वैल्यूज तो सारी आएंगी, तो सारी की सारी हम शेड कर देंगे। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड जो कि है सी यूनियन डी।
और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो पहले आप डी की वैल्यूज लिखेंगे और फिर आप सी की वैल्यूज लिखेंगे और इसी तरह ही हम इनको क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। तो ये हमने मुबादला के कानून पढ़े, किसके अंदर पढ़े हैं जी, हमने एक्सरसाइज 1.3 के पहले क्वेश्चन में। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो उसने खुद डायग्राम्स बना के दी है, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं जी। इसको सॉल्व करने के लिए हमें डायग्राम दिए, कहता है जी मुदर्जा जैल अशकाल बनाकर और अवामिल जो हर एक के अंदर दिए गए हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। पहली डायग्राम आपके पास ये इस तरह से बनी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए जरा गौर कीजिएगा। तो इसमें इस तरह से बना हुआ है, ये सेट ए है और ये हमारा सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट है। उसके नीचे उसने लिखा हुआ है ए यूनियन बी। अभी मैंने आपको करके दिखाया है, यूनियन में आपने क्या करना है, सारे का सारा शेड कर देना है। तो ए यूनियन बी में सारे का सारा एरिया आपका शेड हो जाएगा। ये क्या है जी, ए यूनियन बी। अब एक यू यूनियन यू है, यू यूनियन ए है, उसमें सिर्फ ए ही दिया गया है हमारे पास, तो उसको कैसे बनाएंगे वो जरा देखते हैं। हमारे पास सिर्फ सेट ए दिया है और नीचे यू यूनियन ए है, यानी यू और ए के अरकान को मिला के लिख देना है। तो इसका मतलब ये सारे का सारा ही आपका इसके अंदर आ जाएगा। बहुत ही आसान है हमें इसको ड्रॉ करना। और अगर हमें सिर्फ ए यूनियन ए करना है इसी क्वेश्चन में, अगर हमें ए यूनियन ए करना, मैं सारी डायग्राम्स ही डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ये ए है तो ए को ए से मिलाएंगे, ए को ए से जोड़ेंगे तो आंसर फिर ए ही रहेगा, तो सिर्फ ये एरिया हमारा शेड होगा। इसके अलावा अगर हमारे पास तकाते की बात करें, अब तकाते की बात यानी इंटरसेक्शन की बात है, तो उसमें भी आपने क्या करना है जी, ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है, नीचे उसने क्या कहा है, आपने क्या फाइंड करना है जी, ए तकाते बी, यानी ए और बी में कॉमन चीज क्या है, दोनों में मुश्तरक है, जो ए में है वो बी में है। तो ये अगर गौर करें तो बी जो है वो ए का भी हिस्सा है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर हमारे पास ए है 1, 2, 3 और बी है 2, 3, तो अगर आप इसकी डायग्राम बनाएंगे तो आप इस तरह, छोटी सी मैं बना के दिखाता हूँ, ये ए है, इसके अंदर 1, 2, 3 है। अब बी हम अगर, तो बी में कोई ऐसा रुकन होता जो ए में नहीं, तो हम अलग इस तरह से बाहर लिख सकते थे, वो यहाँ पे आना था। अब ए के सारे रुकन बी में मौजूद है तो हमें बी को इसी के अंदर ही लिखना पड़ेगा, इसलिए हम क्या लिखते हैं, ये 2 और 3 तो बी के अंदर आ गया और 1 जो है वो सिर्फ ए में रहेगा। ये सेम इसी तरह ही है, और जब यूनियन करेंगे तो सारे मिला के लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, शेड। लेकिन अगर इंटरसेक्शन की बात होगी तो सिर्फ इन दोनों में कॉमन चीज ये है तो सिर्फ यही शेड होगा। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, उसमें कहा जी सेटों के तलाजम के कवानीन को भी हल करना है, तकसीमी और तकाते। ये अभी हम इसको करके देखते हैं कि ये क्या है। लास्ट टाइम भी हमने पिछले लेक्चर में ये मैंने बात आपको तलाजम के कवानीन भी बताए, मुबादला के भी बताए हैं और यूनियन के खासियत तकसीमी भी हमने बताई है, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाने वाला। मैं सिर्फ आपको इसकी जो है बेसिक बता देता हूँ कि जी हमारे पास अगर सेट ए है, मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ जी 1, 2, 3, और सेट बी है 2, 3, 4, तो आपने अगर तलाजम, और सी भी है हमारे पास, सी है जी 4, 5 और 6, तो आपने तलाजम के कानून के मुताबिक ए यूनियन बी यूनियन सी करना है। तो ए इसमें पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में ये कर लें और राइट हैंड साइड में, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे यूनियन लगा लें और राइट हैंड साइड में यहाँ पे यूनियन लगा लें। अब आप क्या करेंगे, इसको पहले बी यूनियन सी का आप आंसर निकालेंगे, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, तीनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं। अगर पहले आपने ए ड्रॉ किया, ए और बी में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो वो इसके साथ आ जाएगी, और अगर बी और सी में कोई चीज़ कॉमन है तो वो इसके साथ, मैंने तीनों लिख दिए, ए है, ये बी है और ये सी। ए में है जी 1, 2, बी में भी है 3, बी में भी है, बस इसी तरह बी में 4 है जो इधर भी है, और 5 और ये 6। इसका मतलब है ए बी सी के हमने तीनों के अरकान लिख दिए। अगर हमने इनका यूनियन करना है तो सारे का सारा शेड हो जाएगा, और अगर हमने सिर्फ इंटरसेक्शन करना है तो आखिर में हम देखेंगे कि इसका इंटरसेक्शन क्या बचता है,
वो हम उस सिर्फ उस नए एरिया को शेड करेंगे। आप इसकी अलग अलग डायग्राम भी बना सकते हैं और इसकी इकट्ठी डायग्राम भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, हमारा आज का लेक्चर आपकी समझ में आ गया और हमारे लेक्चर को आप समझें, अपने दोस्तों को भी बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।